कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन बड़ी उम्मीद है। इस बीच कर्नाटक में टीका लगने के बाद हेल्थ वर्कर की मौत को लेकर कुछ लोग वैक्सीन पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट स्पष्ट कर चुके हैं कि भारतीय कोरोना वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। कर्नाटक में हेल्थ केयर वर्कर की मौत की वजह हार्ट अटैक सामने आई। दरअसल कर्नाटक में दो दिन पहले कोविड-19 का टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य विभाग के 43 वर्षीय कर्मचारी की सोमवार को मौत हो गई। इसके बाद वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बेलारी जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नागराजू को 16 जनवरी की दोपहर 1 बजे टीका लगाया गया। इसके बाद वो सोमवार सुबह तक ठीक थे। उनकी मौत का कारण वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है। इस बारे में जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर निदेशक डॉक्टर CM मंजुनाथ ने कहा, हेल्थ वर्कर की मौत सिर्फ संयोग है और इसका टीका लगाने से कोई लेना देना नहीं। मंजुनाथ कर्नाटक सरकार की कोविड-19 संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।